दोस्तों कभी सोचा है कि आपका दिमाग एक जादू की दुकान है? हाँ बिल्कुल, जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स में इस दुकान के सीक्रेट के फॉर्मूलास को एक्सप्लोर करती है। इस बुक की समरी को हम देखते हैं और कैसे ये बुक आपकी प्रोडक्टिविटी में और आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है मेरे हिसाब से। तो इस बुक को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। पहला राज है, हिलना डुलना जरूरी है। सोचो आप पूरे दिन कुर्सी पर जमे हो तो दिमाग भी सुस्त हो जाएगा ना। जॉन मेडिना कहते हैं कि रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज आपके दिमाग को दौड़ा देती है। याद रखो, हमारे पुरखे मीलों पैदल चलते थे, दिमाग भी उसी हिसाब से बना है। कुछ देर टीवी भूल जाओ, उठो, थिरको, दिमाग को जगाओ, सीढ़ियां चढ़ो, अपने बॉडी को मूवमेंट में लाओ, अपने पेट्स को टहलाओ, जो भी करे बस हिलो डुलो। दूसरा राज है, नींद का सम्मान करो। रात भर जागकर सीखना भूल जाओ। जॉन मेडिना बताते हैं कि अच्छी नींद ही सीखने की असली चाबी है। जब आप सोते हो तो दिमाग नई चीजें याद करता है और पुरानी चीजों को मजबूत बनाता है। तो रात को जल्दी सो जाओ, सुबह दिमाग ताजा रहेगा। रात को फोन की चमक से दिमाग को परेशानी होती है तो उसे दूर रखो और सपनों की दुनिया में खो जाओ। सुबह उठकर सूरज की रोशनी लो, दिमाग और भी खुश हो जाएगा। तीसरा राज है, तनाव दिमाग का दुश्मन है। सोचो एग्जाम का टेंशन या झगड़े की चिंता, दिमाग परेशान हो जाता है। जॉन मेडिना कहता है कि तनाव सीखने की क्षमता को कम कर देता है और याददाश्त भी कमजोर कर देता है। तो चिंता को दूर भगाओ, हंसो, गहरी सांस लो, दिमाग को शांत रखो। योगा, मेडिटेशन या कोई भी ऐसी चीज जो आपके मन को शांत करती हो उसको आप लाइफ में अपनाओ। दोस्तों से बात करो, हास्य व्यंग सुनो, प्रकृति की गोद में जाओ। जो भी करो तनाव को दिमाग पर हावी मत होने दो। इनाम का जादू। सोचो बचपन में अच्छे काम करने पर हमें तारीफ मिलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। यही राज दिमाग का भी है। जॉन मेडिना कहते हैं कि अच्छी आदतें अपनाते हुए खुद को छोटे मोटे इनाम दो। गाना सुनो, पार्क में जाओ, किताब पढ़ो, खुद को शाबाशी दो, दिमाग खुश होगा, आदत पक्की होगी। लेकिन याद रखो, इनाम हमेशा बाहरी ना हो, कभी कभी खुद को गर्व महसूस करना भी एक बड़ा इनाम है। पांचवा राज, बार बार दोहराओ, याद रहेगा। सोचो कभी कुछ सीखने का ट्राई किया लेकिन जरूरत के वक्त वो उसे भूल गए। जॉन मेडिना कहते हैं याददाश्त एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतनी ही वो मजबूत होगी। तो चीजों को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें बार बार दोहराओ। क्लास में नोट्स बनाओ, दोस्तों को समझाओ, टेस्ट कार्ड बनाओ, जो भी करे बस नई चीजों को बार बार दोहराओ। दिमाग इन्हें गहराइयों से समझेगा और याद रखेगा। भूल मत करना, रटना नहीं, समझ कर दोहराना जरूरी है। छठा राज, ध्यान दो, बाकी को अनदेखा कर दो। कभी कक्षा में शोर शराबा हुआ है और आपका ध्यान भटक गया? जॉन मेडिना कहते हैं दिमाग एक समय एक ही चीज पर फोकस कर सकता है, बाकी सब कुछ उसे भटका देता है। तो सीखने समय ध्यान जरूरी है। शांत जगह ढूंढो, मोबाइल से दूर रहो, अगर जरूरी हो तो ध्यान बढ़ाने वाला संगीत सुनो। याद रखो जितना कम ध्यान भटकेगा उतना ही ज्यादा आप जल्दी सीख पाओगे। सातवां राज, भावनाओं का जादू। कभी किसी दिलचस्प कहानी से मोहित हो चुके हो? जॉन मेडिना कहते हैं कि भावनाएं इमोशंस सीखने को मजबूत बनाती है। जब आप कुछ सीखते हुए खुश होते हो, उत्साहित होते हो या हैरान होते हो, दिमाग उसे बेहतर तरीके से याद रखता है। सीखने को मजेदार बनाओ, दिलचस्प प्रयोग करो, चीजों को कहानियों की तरह समझो, हास्य का प्रयोग करो। जब सीखना मजेदार होगा तो दिमाग भी उसे खुशी खुशी याद रखेगा। आठवां राज, पूछो, जवाब ढूंढो। अभी क्लास में एक सवाल पूछने को हिचकिचाए हो? जॉन मेडिना कहता है कि सवाल पूछना सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। जब आप सवाल पूछते हो तो दिमाग सोचता है, जवाब ढूंढता है और गहराइयों से समझता है। हिचकिचाओ मत, सवाल पूछो, टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, खुद से सवाल पूछो। जितना ज्यादा सवाल पूछोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। नौवां राज, गलतियों से डरो मत। टेस्ट में गलती की और निराश हो गए? जॉन मेडिना कहते हैं गलतियां करना सीखने का जरूरी हिस्सा है। जब आप गलती करते हो तो दिमाग सीखता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अगली बार वो बेहतर करता है। गलतियों से डरो मत, उन्हें सीखने का मौका दो। गलतियों पर हंसो, कोशिश करते रहो और हर बार बेहतर करने की कोशिश करो। दसवां राज, दूसरों को सिखाओ। कभी किसी को कुछ सिखाया और खुद भी उसे अच्छी तरह समझने लगे? जॉन मेडिना कहते हैं दूसरों को सिखाना सबसे अच्छा तरीका है। जब आप किसी को कुछ समझाते हो खुद भी उसे गहराइयों से समझते हो। दोस्तों को पढ़ाओ, कक्षा में प्रस्तुति दो, लेख लिखो, जो भी करे दूसरों को सिखाओ। ये न केवल उन्हें मदद करेगा बल्कि वो आपको भी बेहतर समझने में मदद करेगा। ग्यारहवां राज, हर दिमाग खास है। कभी सोचा है कि क्या सब लोग एक ही तरीके से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। जॉन मेडिना कहते हैं कि हर दिमाग अलग अलग तरीके से सीखता है। कुछ लोग देखकर सीखते हैं, तो कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, तो कुछ लोग छूकर या उसे करकर समझते हैं, तो कुछ लोग कहानियां सुनकर समझते हैं, तो कुछ लोग उदाहरण से। ये सभी अपनी जगह पर ठीक है, जरूरी है कि आप अपनी सीखने की शैली को समझे और उस तरह से आप सीखे। बारहवां राज, हम सब खोजी है, वी ऑल आर एक्सप्लोरर। अभी गौर किया है कि छोटे बच्चे कितने उत्सुक होते हैं, वे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं और दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। जॉन मेडिना कहते हैं कि हम सब जन्म से ही खोजी होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं। कुदरत ने हमारे दिमाग को नई चीजें सीखने के लिए और दुनिया को समझने के लिए बनाया है, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया है। लेकिन कभी कभी स्कूल, काम या जिंदगी की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ये सब भूल जाते हैं और सीखने को हम बोझ समझने लगते हैं और नई चीजें एक्सप्लोर करने से हम डरते हैं। लेकिन याद रखो, सीखना जिंदगी भर चलने वाला सफर है। नई चीजें सीखने पर न केवल हमारा दिमाग स्वस्थ होगा बल्कि हमारी जिंदगी भी और ज्यादा खुशनुमा हो जाती है। तो जिज्ञासा बनाए रखे, सवाल पूछो, नई चीजें सीखने की कोशिश करो और दुनिया को एक्सप्लोर करो। आप कभी नहीं जानते कि आप क्या खोज लेंगे। यू नेवर नो व्हाट यू विल एक्सप्लोर। दोस्तों ये थी छोटी सी समरी इस ब्यूटीफुल बुक ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। तो आई होप आपको ये 12 हैक्स
पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फेलो एक्सप्लोरर के साथ शेयर करें और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प देम अलॉट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज कीप लर्निंग, सीखते रहे, हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहे। थैंक यू सो मच।